कर्नाटका राज्य की एक बहुत ही खूबसूरत शहर है हम्पी, जो एक सदी में था विजयनगर एम्पायर का कैपिटल। अभी बस इसके रुइन से पड़े हैं, और इस रुइन से हमें पता चलता है कि विजयनगर किंगडम कितना रिचेस्ट था। पूरा शहर मोनूमेंट्स एंड ब्यूटीफुल टेम्पल से भरा हुआ है। सो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर का कैपिटल एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी। अगर आप हम्पी प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, this is Polomi. Welcome to my channel and welcome to Hampi. We are in Hampi for 2 days and in 2 dinon mein hum log Hampi cover karenge aur puri details aapke sath share karenge. So keep watching guys. हम लोग कार ट्रेवल करके हम्पी पहुँचे हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे है, कैसे हम लोग बेंगलोर से हम्पी पहुँचे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे बिठाला मंदिर के लिए। हॉस्पिटल से हम्पी कुछ 15 मिनट की डिस्टेंस है। कार पार्किंग एरिया से ही आप लोगों को मिल जाएगी गाड़ी, उधर से आप गाड़ी लेके भी बिठाला मंदिर पहुंच सकते हैं या फिर चल के भी जा सकते हैं। अगर आप चल के जाते हो तो रास्ते पे ही कुछ मोनूमेंट्स आपको दिखाई देगी, जैसे कि गजाला मंडपा देन ये पुष्करणी भी है, तो आप रास्ते चल के भी जा सकते हो, उसका भी एक मज़ा है। और या फिर आप गाड़ी भी ले सकते हो। अगर आप गाड़ी लेके जाते हो तो फिर आपको लाइन में थोड़ी सी खड़ी होनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाती है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चल के ही जाएँगे। सो अभी हम बिठाला मंदिर के पास पे हैं। ये है बाहर का गेट, तो अंदर जाएंगे। ये इधर से बंद है, हमें घूम के उधर से जाना पड़ेगा। तो चलो अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 40 रुपीज़ पर पर्सन। और ये देखिए इतना बड़ा मंदिर है, इसमें बहुत सारे कुछ देखने को मिलेगा आपको। और जो मेन अट्रैक्शन है बिठाला मंदिर के, ये है ये स्टोन चैरियट, जो आप सभी ने देखा होगा। कुछ पार्ट डैमेज हो चुकी है, मगर फिर भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बहुत ही बड़ा टेंपल है गाइज, बहुत खूबसूरत है। और ये चैरियट, ये तो बहुत ही सुंदर है। 50 रुपीज़ के नोट के पीछे जो होता है वो पूरा वही है, यही रथ है, और बहुत सुंदर दिख रहा है ये। बिठाला विष्णु मंदिर देखने के बाद हम लोग चले आए हैं यहाँ पे। ये है एलिफेंट स्टेबल, एक बहुत बड़ा मोनूमेंट है ये। और इधर आप आते हो तो एक ही साथ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगी। यहाँ पर है लोटस महल, क्वींस बात, वॉच टावर। ये है लोटस महल, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी चारों तरफ से एक ही तरह का डिज़ाइन है, और इसका जो अंदर का डिज़ाइन है ये एकदम लोटस के पेटल की तरह है, इसलिए इसका नाम है लोटस महल। ये है क्वींस बात, जो आपको याद दिलाएगी कि पुराने जमाने के स्विमिंग पूल कैसे हुआ करते थे।
ये है ब्लैक रॉक पुष्करणी, जो एंशियंट टाइम में हर किसी टेंपल के पास होता है, मगर ये पुष्करणी का डिजाइन थोड़ा सा अलग है, बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक रॉक से बना हुआ है। ये है हजारा रामा टेम्पल, ये श्री राम जी की टेम्पल है और ये भी बहुत ही खूबसूरत एक टेम्पल है, बहुत ही बड़ा सा टेम्पल है। और इधर आपको देखने को मिलेगी ब्लैक कलर का पिलर, जो इसी मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि श्री राम जी की टेम्पल है तो इस टेम्पल पे आपको दिखाई देगी पूरी रामायण की कथाएं। आप लोगों ने जितने भी टेम्पल देखा है, इसमें कोई भी टेम्पल में भगवान की मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक विरूपाक्ष टेम्पल है जहाँ पे अभी भी भगवान शंकर की पूजा होती है। भगवान शंकर के तीसरी आँख के लिए यहाँ पे विरूपाक्ष नाम से ही भगवान शंकर जाने जाते हैं, और माता पार्वती पंपा के नाम से। मंदिर के अंदर आपको दिखाई देगी ये हाथी, जिसका नाम है लक्ष्मी। अगर आप उसको 10 रुपये देंगे तो आपको भी ब्लेसिंग मिल जाएगी। वहाँ पर देखो चंदन किसने के लिए जागा ऊपर देखा, और बाद में उधर देखे दूर से जे तो यहाँ पर दो टाइप सीव्स बनाते हैं। फर्स्ट है ड्रम, इसको ऊपर के एनिमल स्किन बांध के बजाते हैं नैवेद्य के टाइम पे। एनिमल स्किन बाहर निकाल के इसके अंदर भी आलो है और फूड सर्व करने के लिए जागा था। मंदिर के अंदर आपको गाइड मिल जाएगी, अगर आप चाहते हो तो गाइड भी ले सकते हो, इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री आपको मालूम पड़ जाएगी। और गाइड का ये 500 रुपीज़ कुछ लेते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम लोग अभी अंदर जाएंगे और भगवान का दर्शन करके फिर वापस आने वाले हैं। तभी रेन रेज होते हैं, जो वाटर भी बढ़ता है ना, जो पानी के अंदर से चैनल के अंदर भी डंप होते हैं, एडज में चैनल है देखो वहाँ पर। ये है अंडरग्राउंडेड शिवा टेम्पल। कहा जाता है कि ये शिवा टेम्पल रॉयल फैमिली मेंबर के लिए था, इसलिए ये अंडरग्राउंडेड है। बारिश के मौसम में इसी कैनल के थ्रू तुंगभद्रा का वाटर इस टेम्पल पे आ जाता है और पूरा टेम्पल पानी के नीचे रहता है। तो अभी तो पानी नहीं है, अभी हम लोग नीचे जा सकते हैं और जाके देख सकते हैं अंदर क्या है।
क्योंकि ये मंदिर अंडरग्राउंडेड है तो रोशनी एकदम भी नहीं आ रही है, इसलिए बहुत ही अंधेरा है और यहाँ पे थोड़ा ठंड भी महसूस हो रही है। अंदर देखिए शिवलिंग दिखाई दे रही है और ये अंडरग्राउंडेड शिवा टेम्पल प्रसन्न विरूपाक्ष टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं। ये है हम्पी की सबसे बड़ी स्टैचू जो है नरसिंह देव की। आप लोग तो जानते ही हो कि कृष्ण की जो फोर्थ अवतार था वो था नरसिंह देव। नरसिंह देव के साथ एक लक्ष्मी जी की भी मूर्ति थी जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मगर नरसिंह देव की मूर्ति अभी भी आप देख सकते हो। नरसिंह देव की मूर्ति के पास ही है एक बड़ा सा शिवलिंग जो है बद्रीलिंग, और इसके अंदर देखिए पानी है, पूरा ईयर इसके नीचे पानी रहते ही तुंगभद्रा का पानी इधर आ जाता है कैनल के थ्रू। विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राय अपने उड़ीसा अभियान के जीतने के बाद एक बाल गोपाल लेके वापस आए थे और उसके बाद ये मंदिर बनाया था। तो ये है वो कृष्णा टेम्पल। ये है तुंगभद्रा रिवर और यही से होता है हम्पी फेमस कोरकल राइड। अब हम लोग कोरकल राइड लेने वाले हैं। अगर आप ग्रुप में ट्रेवल करते हो तो 500 पर पर्सन लगेगी और पूरी बोट लेने में 3000 रुपीस लगेगी। हम लोगों ने पूरी बोट ले ली है, अभी हम लोग कोरकल राइड का मजा लेने वाले हैं। अगर आप हम्पी प्लान कर रहे हो तो ये कोरकल राइड अपने लिस्ट में ज़रूर रखना, क्योंकि इसके बिना हम्पी ट्रिप तो अधूरी रह जाएगी। बहुत ही मज़ेदार कोरकल राइड, बहुत मज़ा आया। और यह एक बड़ा सा पत्थर, इस पत्थर के नीचे हम लोगों को लेकर आए हैं और वहाँ पर हम लोगों को पिक्चर भी लेने वाले हैं।
अगर आप बोट के ड्राइवर को थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्रिप्स देते हो तो ऐसे बोट को स्पिन कराती है जो कि बहुत मज़ेदार होती है। सो गाइज, ये था हम्पी की 12 बेस्ट प्लेसेस जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम्पी हम्पी।